श्रावस्ती भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ दो कुरियर हुए गिरफ्तार। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से होकर भारतीय क्षेत्र में लाई जा रही भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ दो कुरियरों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। मामला श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिलर संख्या 641 के पास का है, जहां गुरुवार की सुबह सशस्त्र सीमा बल 62वीं वाहिनी भिनगा की सी कंपनी कमांडर अजय कुमार को मुखबिर द्वारा नेपाल से मादक पदार्थ आने की सूचना मिली थी, जिस पर सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार, योगेश गौतम सहित अन्य जवान बताते हुए जगह पर पहुंच गए, जहां भारतीय क्षेत्र में गुरुवार की सुबह घेराबंदी की गई। थोड़ी देर बाद दो संदिग्ध कोहरे के बीच सर पर बोरा रखे आते दिखे। भारतीय क्षेत्र के काफी अंदर आने के बाद जवानों ने रुकने को आवाज दी, जिस पर दोनों वापस नेपाल की ओर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। बरामद दोनों कोरियरों के पास से शराब कोकोरी आउटपोस्ट पर लाया गया, जहां गिनती में 26 पेटियों में से 780 सीसी नेपाली शराब मिली, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,01,000 रुपए आंकी गई। दोनों कोरियरों की पहचान थाना मलीपुर के बंसगंडी निवासी मेराज पुत्र अली अहमद व बनगई के राजापुरवा निवासी सुभाष साहू पुत्र गोवर्धन के रूप में हुई। जांच पड़ताल के बाद दोनों को थाना मलीपुर के सुपुर्द कर दिया गया, जहां पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।